वेलकम फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्वामी कंप्यूटर्स के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा साथ में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 7 लाइव डिस्क फुल वर्जन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या अपनी विंडोज 7 का पासवर्ड या विंडोज 8 का पासवर्ड, 8.1 का, 10 का, या विंडोज XP का कोई भी पासवर्ड आप रीसेट करना चाहते हैं, तो सिर्फ 148 MB की डिस्क डाउनलोड करनी है। जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो आपने डाउनलोड करनी है और उसको आपने अपनी USB पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना है। तो एक छोटा सा काम करके आप अपना विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8.1 का पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सिंपली मैंने एक लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है और बिल्कुल बॉटम साइड में आके एक वेरीफाई का बटन है वो दबाना है। वो बटन दबाने के बाद आपने एक कैप्चा है उसको वेरीफाई करना है। कैप्चा वेरीफाई आपको बीच में मिल जाएगा, जैसे कि ये है, प्लीज चेक द कैप्चा बॉक्स टू प्रोसीड। इस पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। ये जब ओके हो जाए तब आपने इसको कंटिन्यू करना है। फर्स्ट कंटिन्यू काम नहीं करेगा, सेकंड कंटिन्यू जब आप करेंगे तब ये काम करेगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये सेकंड कंटिन्यू काम करेगा। उसके बाद आपको इसकी डिटेल्स शो हो जाएगी और आपको जो लिंक है इसका 14 सेकेंड में रेडी हो जाएगा। आपको सिर्फ 14 सेकेंड वेट करनी है, 14 या 15 सेकेंड जो आप सामने जैसे कि ये दिखा रहे 15 सेकेंड। जैसे कि ये जब 14 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तब आपने बॉटम साइड पे गेट लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक काम नहीं करेगा, सेकेंड टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा। उसके बाद आपका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं लिंक जो है ओपन हो गया। उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, Power ISO। Power ISO एक सॉफ्टवेयर चाहिए। Power ISO सॉफ्टवेयर जो है आपको क्या कहते हैं, इसको ड्राइव को जो आपकी डिस्क है, जो आपकी ISO फाइल जो आप डाउनलोड करेंगे उसको डाउनलोड उसको आपकी USB पेन ड्राइव बनाने के लिए काम आएगा। अगर आप चाहें तो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आपको बता भी देता हूँ। रुफुज नाम का सॉफ्टवेयर है, उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं नीचे। और उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर आप अपनी पेन ड्राइव के अंदर इसको बर्न कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसको इमेज को बर्न करना। जो डिस्क है वो करीब 140 MB की है, जो आपको मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखी है, 148 MB की है। इससे आप किसी भी विंडोज का पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान। इसको फर्स्ट बूट में आपने रखना है, उसके बाद इसको बूट करने के बाद ये एक बूट जैसे कि बड़ी ही विंडोज 7 की तरह बूट हो जाए। इसमें आप बैकअप्स वगैरह ले सकते हैं, अपनी डिस्क को स्कैन कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो अपने पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपल एक कीज नाम के आइकॉन बने होंगे, उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो ये था एक प्रोसीजर जिससे रुफुज जो सॉफ्टवेयर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे नो करना है। उसके बाद आपने सिलेक्ट के बटन को दबाना है। आप जहाँ पे आपने इमेज रखी है उसकी लोकेशन देनी है। लोकेशन देने के बाद आपने इसको स्टार्ट कर देना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस, स्टार्ट कर देना है। ऐसे ही आपकी इमेज जो आपकी पेन ड्राइव में बूट हो जाएगी, उसके बाद आप अपने सिस्टम में लगा के अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे और इस पेन ड्राइव को फर्स्ट बूट करेंगे और ये जब बूट हो जाएगी बड़ा इजी प्रोसेस है, आप इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।